क्लास एट हमारा प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर 10 चल रहा था और इसमें जो स्टूडेंट कमेंट था वो एक दो लोगों ने भेजा है, बाकी ने नहीं भेजा। और चैलेंज पोर्शन तो बहुत ही ईजी था। इसमें क्या है कि ये जो है एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये मंथ्स का सीक्वेंस है। ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब इस सीक्वेंस के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो वेयर डू यू फाइंड दिस सीक्वेंस। तो दीज आर द नेम ऑफ मंथ्स और दीज आर द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ्स इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, तो बस इतना लिखना है और इसमें कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना है। इसमें एक दो लाइनें लिखनी है कि दीज आर द नंबर ऑफ डेज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ्स इन द मंथ्स इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी जनवरी, फिर फरवरी, नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, फिर नंबर ऑफ डेज इन मार्च, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ कम टू नंबर इन जनरल फॉर्म्स। ठीक है, जनरल फॉर्म्स में नंबर क्या होते हैं हमें अभी ये बात करनी है। ठीक है, तो ये नंबर जनरल फॉर्म क्या होती है। तो अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मैं इसके एग्जांपल पे आता हूँ। देखो, इन्होंने एक नंबर ले रखा है 74। ठीक है, हमने एक नंबर लिया 74। ठीक है, और इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम 7 into 10, यानी जो टेंथ प्लेस पर है वो टेंथ प्लेस पर आ गया, प्लस 4 into 1, तो 4 ones प्लेस पर है तो 4 into 1, 7 into 10, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे हम, वैसे ही लिखा है, कुछ अंतर नहीं है। और फिर हम इसको जैसे 98 है उसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, 9 into 10 और 8 into 1। अब आती है बात जनरल फॉर्म में लिखने की, तो हम ये मानते हैं कि अगर सपोज 7 या 9 की जगह पर हम या कोई और नंबर भी हो सकता है, तो हमने इस नंबर को बोल दिया ये पी है। ठीक है, ये नंबर क्या है, ये नंबर है पी, और दूसरा वाला और दूसरा नंबर है, यहां 4 है, यहां 8 है, हमने कहा कि ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको हम क्यू लिख देते हैं। तो हम इसे लिख रहे हैं पी क्यू। इस नंबर, ये इस तरह के नंबर्स 2 digit वाले, इसको हम लिख रहे हैं यहां पर पी क्यू। तो पी आ जाएगा 10 के साथ और क्यू आ जाएगा 1 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन राइट इट एज पी क्यू इज इक्वल टू 10p+q, राइट, विद P should not be 0। अब यहाँ पर P 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर ये 0 है तो ये 2 digit का तो नंबर ही नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में जहाँ पर डिजिट लिखते हैं वहाँ पर अगर आपने 7 और 9 को 0 कर दिया, इट मीन्स इट इज़ अ 1 digit नंबर। ये तो केवल 1 digit का नंबर रह जाएगा, और हमें बात कर रही है 2 digit के, 2 digit नंबर की बात कर रहे हो, तो पी कैन नॉट बी 0। पी कैसे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे, है ना, बड़ा अजीब सा लगता है इस तरह लिखा हुआ, लेकिन बस अगर आपको इसका मीनिंग आता है तो ये कुछ नहीं, वही चीज घुमा के लिखी हुई है कि पी क्यू इज इक्वल टू 10p+q विद पी शुड नॉट बी 0, पी इज नॉट 0। ठीक है, तो पी अगर 0 नहीं है तो हम इक्वल पे क्रॉस लगा के बता देते हैं। अच्छा, नाउ कम टू कि 256, कंसीडर अ 3 digit नंबर 256, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में उसी तरह लिखेंगे, 2 into 100, 5 into 10 टेंथ प्लेस पर, 6 into 1 वंस प्लेस पर, और इसी तरह कोई और नंबर हो उसको भी। तो हमारे पास अब नंबर आ गया पी क्यू आर, तो पी आ गया 100 प्लेस पे तो 100 पी हो जाएगा, क्यू आ गया 10 प्लेस पे तो 10 क्यू हो जाएगा, और आर आ गया वंस प्लेस पर तो ये आर हो जाएगा केवल, और विद द टैग, विद द कंडीशन दैट पी शुड नॉट बी 0, कि पी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, तो आते हैं आगे, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखें, अगर क्या करें हम,
एक छोटी सी चीज़ है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, गेम्स विद नंबर्स लिखा है। आप देखें कि कुछ नंबर्स इस तरह के हैं, देखें आप जैसे 12 और 21, आप ध्यान दें 12 और 21 ये नंबर्स क्या हैं, ये रिवर्स नंबर्स के रिवर्सिंग डिजिट्स में लिखे हुए नंबर, जैसे 1 2 था, इनका सीक्वेंस पलट दिया, 2 1 कर दिया, 1 2 था, इसको 2 1 कर दिया। लेकिन आप एक चीज देखें जरा, अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं, इनका स्क्वायर कर रहे हैं हम, 12 का स्क्वायर कर दिया और 21 का स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर आता है 144 और इसका स्क्वायर आता है 441। ये दिस सीम्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए इसमें क्या है कि हमने इसके 12 का जो स्क्वायर आया वो 144 आया, और इसमें हमने सीक्वेंस चेंज किया तो इसके स्क्वायर का भी सीक्वेंस चेंज होता है ना। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बड़ी अच्छी रिसर्च है इन लोगों की। कि अब देखें दूसरा कि या 13 and 31 आर अदर सच नंबर्स, है ना, ये भी 13 and 31 ये वाला जो नंबर्स हैं, दीज टू नंबर्स, ये भी क्या है 13 और इनको रिवर्स कर दिया। रिवर्स, रिवर्स का मतलब है, रिवर्स का मतलब समझ गए आप कि 1 3 है, इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसको पहले और इसको बाद में, या इनका सीक्वेंस पलट दिया। अब दो नंबर्स में तो यही होगा ना, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये पहुंच जाएगा, अगर तीन नंबर्स होंगे तो पहले वाला थर्ड वाला फर्स्ट की जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 13 मैंने रिवर्स कर दिया, 1 इधर और 3 इधर कर दिया, तो 1 1 और 3 था तो 3 इधर कर दिया, 1 इधर कर दिया, तो ये रिवर्सिंग हो गया। तो एक तरह से हमने एक नंबर को रिवर्स करके दूसरा बनाया, और ये एक ऐसा ग्रुप है कि इनका भी स्क्वायर क्या आता है, 169 और 961, है ना, 169 और 961 ये भी रिवर्स आता है, इनका स्क्वायर भी, ठीक है। तो ये थोड़ा मज़ेदार है, और इसी से बात आती है अब रिवर्सिंग द डिजिट्स की, कि रिवर्सिंग द डिजिट में कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमें याद है कि हमने अभी अभी पढ़ा कि पी क्यू एक नंबर है, उसको जैसे यहाँ पर था 13, उसको हमने रिवर्स कर दिया, पलट दिया, तो हमने इसे 31 कर दिया, 1 3 का 31। ऐसे ही अगर हम पी क्यू को क्यू पी करेंगे, पी क्यू को क्यू पी करेंगे, ठीक है। तो अब देखें आप जरा, अगर एक नंबर है PQ एक नंबर है, देखिए तो PQ को हम कैसे लिखेंगे, PQ को हम लिखेंगे 10, भाई टेंस नंबर, टेंस प्लेस पर आइए, हम इसे लिखेंगे PQ को 10P+Q, PQ को लिखेंगे 10P+Q क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है। अब मैं इसको ऑर्डर को रिवर्स कर रहा हूँ, QP कर दूंगा, और QP होगा तो टेंस प्लेस पर अब Q है, तो 10Q+P हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं, मैं पी क्यू और इसका जो रिवर्सिंग द डिजिट वाला नंबर है, इन दोनों को ऐड करूं, तो मैं पी क्यू की जगह 10P+Q लिख सकता हूं और क्यू पी की जगह 10Q+P लिख सकता हूं। तो इसको 10P और P ऐड करेंगे 11P हो जाएगा, 10Q+10Q लिखेंगे तो 11Q हो जाएगा, बाहर अगर इसको ले लेंगे तो 11 बाहर कॉमन आ जाएगा और P+Q अंदर आ जाएगा। आप मेरी बात समझ गए, मैं फिर भी एक बार बोल रहा हूँ, PQ को लिखेंगे 10P+Q, QP को लिखेंगे 10Q+P, 10P और P 11P हो गया, Q+10Q 11Q हो गया, और 11 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा P+Q। इसका मतलब है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज डिवाइजेबल बाई 11। तो इस तरह के नंबर्स हों, नंबर और उसके रिवर्सिंग द डिजिट नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो उनका नंबर जो है वो 11 से डिवाइजेबल होगा, उनका नंबर 11 से डिवाइजेबल होगा। मैं इसमें देखें आप, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट विल ऑलवेज बी डिवाइजेबल बाई 11। ऑल्सो द कोशेंट ऑफ दीज नंबर्स विल बी द सम ऑफ डिजिट ऑफ ओरिजिनल टू डिजिट नंबर
इन द, अब देखो इसका मतलब एक बात और है कि इसमें क्या लिखा है कि द कोशेंट ऑफ दीज नंबर्स विल बी द सम, अगर आप इसे 11 से डिवाइड करेंगे, देखिए आप इसे आप अगर 11 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, बाकी का क्या बचेगा, कोशेंट बचेगा, कोशेंट क्या होगा, पी प्लस क्यू, इट मीन्स जो कोशेंट होगा वो इन्हीं दोनों नंबर्स का सम होगा, इन्हीं दोनों नंबर्स का सम होगा। एज फॉर एग्जांपल आपने अगर 30 यहाँ पर 52 लिया तो 52 का जो रिवर्स डिजिट हो जाएगा 25 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 77 आएगा, 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा 7 आएगा, और 7 इज अ सम ऑफ दीज टू डिजिट्स, 5 प्लस 2 इज 7। तो इस हिसाब से ये भी सही है कि इन द अबव एग्जांपल क्वेश्चन 7 इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 52 और 5 प्लस 1, तो सम किसका होगा, 5 प्लस 2 का, यानी दोनों का सम हो गया 7 5 प्लस 2। बात समझ आ गई, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ है, ये मैं आपको एक अगले वीडियो में मैं आपको इसको, पहले आप इसको कर लें पूरा, इसको आप अच्छे से समझ लें, और मैं अगला वीडियो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ लें, मैं थ्री डिजिट वाला और आपको एक बार बताना चाहता हूँ, फिर हम इसके दो तीन क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप पहले ये जो थ्री डिजिट वाला है, पहले टू डिजिट वाला है, यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, और जब आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन भी बड़े मज़े से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी उनका मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि कम 5-7-8 बच्चों हैं जो होमवर्क जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने पीवी प्रैक्टिस बुक की है चैप्टर 9 की, लेकिन स्टिल बहुत सारे अभी आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी होमवर्क नहीं भेजा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मार्क्स चाहिए, बाद में कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है। और ये बिल्कुल क्लियर ऑर्डर्स हैं, जिनके जो होम असाइनमेंट्स हैं वो करके भेज रहे हैं, जो होमवर्क करके भेज रहे हैं उनको मैंने देना है मार्क्स, और जो भी इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क होगा या जो कुछ भी होगा वो भी जो रेगुलर बेसिस पे मतलब जिनके आ जाएंगे उन्हीं को मार्क्स देने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप एक्सपेक्ट करो कि बाद में आपका रिजल्ट जो बनेगा उसके अंदर आपको मिलेगा, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल क्लियर समझ लें। तो इसलिए अच्छा ये है कि जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं स्कूल से आ रही हैं, बस खाली होमवर्क भेजना है, कोई प्रोजेक्ट आ गया तो वो बनाना है, और उसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो इतना भी नहीं आप घर बैठ के कर सकते तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सब मुझे चाहिए आपसे, और नहीं आने पर हमें कुछ नहीं करना है, बस मार्क्स जो 10-10 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं वो आपको नहीं मिलेंगे।